What is the question? Which of the following carbocation will undergo rearrangement? Which of the following carbocation will undergo rearrangement? कौन सा ऐसा carbocation है जो कि आपके rearrangement के undergo जाएगा या फिर rearrangement को follow करेगा? तो कौन से है? पहला तो सेकेंडरी है, बाद का टर्शियरी है, उसके बाद सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी है, उसके बाद भी प्राइमरी है, तो देखते हैं बी. ओके डेफिनेटली, बिकॉज फॉर ईच कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट देयर मस्ट बी अ सम ड्राइविंग फोर्स. कार्बोकैटायन रीअरेंज ओनली व्हेन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म. कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कब होती है? जब भी आपके पास मोर स्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा, उसके बाद ही क्या होगे, वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकती है. So, this is the answer of this question is the B. That is formation of tertiary carbocation. That's why it's the most stable. And you will get the reaction and or that the product will be undergoes the reaction.